नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तुला राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, कौन मित्र है और कौन शत्रु है, सारी चीजें विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिये, तुला राशि हमारे 12 राशियों में से 7वें नंबर की राशि होती है। 7वें नंबर की राशि जिसका स्वामी शुक्र देव होता है, जो लग्जरियस का और वैभव का, सुंदर पत्नी का, अच्छी गाड़ी का, अच्छे मकान का मालिक होता है। जिस घर का जो मालिक होता है वो उसे ये चीज अवश्य रूप से दिलाता है और उसे अधिक दिलाता है, क्योंकि जिस घर का मालिक होता है उस घर को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। उसी प्रकार से देखिए, शुक्र तुला राशि का मालिक है और वृषभ राशि का भी मालिक है, तो ये दोनों राशि शुक्र की राशि हुई तो ये लग्जरियसनेस को बहुत ज्यादा इसमें भरेगी। तो देखिए, तुला राशि वाला व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, मनी माइंडेड होता है, पैसे कमाने की ललक होती है, हमेशा प्रयासरत रहता है धन कमाने के लिए। जो ललक होती है ना पैसे कमाने के लिए, हर वो प्रयास करेगा जो उसे करने चाहिए, हर तरीके से संघर्ष करेगा, हर तरीके से मेहनत करेगा, हमेशा प्रयासरत रहेगा। वही परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम रखेगा, परिवार से इसे दूर रहना पसंद नहीं है, परिवार के लिए अपना जीवन निछावर कर देता है, परिवार के लिए कमाता है, परिवार के लिए बहुत अधिक सोचता है, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, ये मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, हर चीज को लगन के साथ करते हैं, हर चीज को मेहनत और लगन के साथ करते हैं, ये हर चीज की केयर करते हैं, चाहे छोटी सी चीज भी इन्हें प्राप्त हुई है तो उसकी भी चीज की ये केयर करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे, हर इंसान का सम्मान करते हैं। इन्हें खूबसूरती बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए, ये तुला राशि वालों की मैं पहचान बता दूं, आप देखते ही पहचान जाएंगे, ये हमेशा अप टू डेट रहना पसंद करते हैं। जब भी आप इन्हें देखेंगे नए कपड़ों में एकदम नए तैयार होके, आप इनसे जब भी मिलेंगे पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, तैयार होके कहीं घूमने जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो, पर ये हमेशा ही तैयार रहेंगे। कहीं नहीं जा रहे तो भी घर में बैठेंगे तो भी अच्छे नए कपड़े पहन के अप टू डेट तैयार होना, ये तुला राशि वालों की पहचान होती है। इन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इन्हें तीन चीजें मैं बता दूं, हमेशा इन्हें आलस से दूर रहना चाहिए। अगर घर में अगर गंदगी है ना तो ये बहुत ज्यादा चिड़ेंगे, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, इन्हें गंदगी से हमेशा दूर रखें और गंदगी इनके सामने करें नहीं, नहीं तो आपकी भैया ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि इन्हें गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये लग्जरियस के ब्रांड के मालिक है एक तरीके से, ये हमेशा लग्जरियस के साथ रहना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीजों के साथ रहना पसंद करते हैं, हर चीज हाई फाई चाहिए इन्हें। और इनके मित्र भी होंगे ना तो ऐसा कोई गिरे गुठाई नहीं होंगे, ये अच्छे मित्र बनाते हैं। इनके मित्र भी हाई क्लास के होंगे, हाई के होंगे मित्र भी अच्छे उच्च कोटि के मित्र होंगे इनके। इन्हें घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, सामाजिक व्यक्ति होते हैं, लड़ाई झगड़ों से ये दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर एक चीज और बता दूं, अगर लड़ाई झगड़े कहीं हो रहे हो और आप इन्हें लेके चले जाओगे तो ये उस तरीके से सुलझा देंगे, सिर्फ बातों से ही लड़ाई झगड़ों को बिल्कुल सुलझा देंगे, लड़ाई झगड़ों खत्म कर देंगे, लड़ाई होने ही नहीं देंगे। ये अपने बातों के इतने धनी होते हैं, ये इन्हें सजना संवरना बहुत पसंद होता है। इनकी जो चॉइस होती है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप कोई मार्केट वगैरह जा रहे हो तो इन्हें लेके चले जाइएगा, इनकी चॉइस सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र इनका मालिक होता है, ये इनकी इनकी जो चॉइस होती है सबसे ज्यादा अच्छी होती है। थोड़े से संकोची स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये कभी कभी थोड़ा सा संकोच करते हैं, पर पहली मुलाकात में ही संकोच करते हैं, दूसरी बार में संकोच नहीं करते, मन मर्जी के मालिक होते हैं, अपने मन की बहुत ज्यादा ये मन में जो रहता है ना वो चीजें कभी कभी किसी को बता देते हैं, मतलब सामने वाले व्यक्ति को बता देते हैं, तो उस चीज का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मन की जो आलस की अंदर की बातें है ना, ये बताने से इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि आपकी मन की बातें किसी को बताने से सामने वाला व्यक्ति कौन सी चीज का फायदा उठा लेगा कुछ नहीं पता। अपनी राज की बातें आप कभी कभी किसी भी सामने वाले व्यक्ति को बता देते हैं, इस चीज से आपको बचना है। अपनी राज की बातें आपको नहीं बतानी, अपने मन की बातें नहीं बतानी। इनकी जो पसंद होती है ना वो सबसे ज्यादा हटके होती है, सबसे ज्यादा अलग होती है। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, पर जब भी गुस्सा आता है तो सामने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करते। भैया सौम्य स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, सौम्य मन होता है, दिल भी बहुत ज्यादा साफ होता है, पर आप इन्हें गुस्सा ना दिलाए, नहीं तो गुस्सा अगर इन्हें आ गया, एक तो इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, क्योंकि तुला राशि वाले व्यक्तियों की हर चीज एक ग्रेड की होती है, इसलिए इनकी पहुंच भी बहुत दूर दूर तक होती है। ये हर चीज में एक ऐसा चीज लेकर आते हैं या ऐसी चीजें इनके पास होती है जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि तुला राशि 12 राशियों में से 7वें नंबर की राशि होती है। हमारी जन्म कुंडली में जब देखा जाता है तो 7वां हाउस है, 7th हाउस होता है, 7th हाउस जन्म कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, अच्छा घर माना जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। एक तो देखिए पत्नी भी होती है वहां पर, सप्तम हाउस में पत्नी भी होती है, दैनिक आय भी होती है, हमारी आय होती है और पत्नी होती है, अब सारी चीजें वहां पर बैठ गई, और ससुराल पक्ष भी कहा जाता है उसको, तो ये सारी चीजें एक घर में होना और इस घर के
मालिक तुला राशि वाले व्यक्ति होते हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होता है, तो सारी चीजें एक जगह पे मिलना, इसलिए ये व्यक्ति इन सारी चीजों का मालिक होता है, सुंदर पत्नी का। अगर आपका तुला राशि वाले व्यक्तियों की अच्छी चीजें पहचानी ना कि उनके शुक्र और ज्यादा मजबूत है। देखिए शुक्र मजबूत होता ही है, अगर जन्म कुंडली में बाई चांस अगर शुक्र गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो थोड़ी सी चीजें उल्टी करता है, पर शुक्र अगर मजबूत होता है, शुक्र की ही राशि होती, तो सुंदर पत्नी, सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, अच्छा खासा वैभव और धन की कभी कमी नहीं होगी इनके पास, इनका धन परिपूर्ण रहेगा और अच्छा सुंदर मकान। आप दूर से अगर इस तुला राशि वाले व्यक्ति आपको दिख जाए तो आप सीधे कहते हैं भैया आपका जो मकान है वो सबसे ज्यादा बहुत ही सुंदर मकान है, अगर बाहर से भी सुंदर नहीं दिख रहा है तो अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर होगा। इनकी पहचान होती है तुला राशि वाले व्यक्तियों की हर चीज में ए ग्रेड में रहना, ये तुला राशि वाले व्यक्ति की पहचान होती है। तो आपकी भी तुला राशि से सारी बातें आपसे रिलेट की कि नहीं की कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा, और आप भी तुला राशि तो अपना नाम या अपनी राशि लिख के कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए ज्योतिष ज्ञानी को फॉलो अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।